एक और नया एपिसोड लेके आ गया हूँ मैं ह्यूमन स्कैनर का। हनीन यहान को बोलती है, बहुत ही लेट हो गया यहान, मैं भी जा रही हूँ। यहान बोलता है, रुक जाओ, मुझे तुम्हारे लिए एक पार्ट टाइम जॉब खोजने दो पहले। यहान टैंक को बोलता है, कैसे चल रहा है कंपनी का प्रिपरेशन? टैंक टैंक बोलता है, अगर कोई और होता तो मैं भूल ही जाता, तुम हो इसलिए मुझे अभी भी याद है। सभी चीज़ तैयार हो गया, हम लोग नेक्स्ट वीक में खोल देंगे, हमें सिर्फ उस कंपनी का कोई नाम चाहिए। यहाँ तुम्हारे पास कोई आइडिया है क्या नाम रखे हम लोग? यहाँ बोलता है, एक नाम। फिर यहाँ टैंक को बोलता है, चलो इसका नाम टियान लॉन्ग ग्रुप रखते हैं। टैंक बोलता है, बहुत अच्छा, मुझे यह नाम बहुत ही अच्छा लगा। यहाँ हनियन को बोलता है, तुम अगले हफ्ते से टैंग लॉन्ग ग्रुप में काम कर सकती हो, ये मेरा कंपनी है तो तुम्हें कोई भी परेशान करने की हिम्मत नहीं करेगा। फिर टैंक बोलता है, चिंता मत करो लड़की, मैं तुम्हारे लिए एक अच्छा पोजीशन तैयार रखूंगा। हनीन बोलती है, शुक्रिया तुम्हारा यहाँ और टैंक। फिर अचानक से टैंक हनीन के पास जाकर बोलता है, मैं इतना भी अच्छा नहीं हूँ अपने दोस्त लोगों का ध्यान रखने में। और तुम्हारा उम्र कितना है? तुम कहाँ पर रहती हो? तुम्हारे फैमिली में कितने लोग हैं? तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है? हनीन ये सब सुनकर शॉक्ड हो जाती पूरी तरह। यहाँ टैंक का कॉलर पकड़कर बोलता है, ठीक है अपना बकवास बंद करो, मुझे तुमसे कुछ पूछना है। फिर वो दोनों वहाँ से दूर जाते हैं। फिर टैंक उससे पूछता है, क्या हो गया यहाँ? यहाँ बोलता है, यूनियर अभी कैसी है? मैं बहुत दिनों से उसे देखा नहीं हूँ। टैंक बोलता है, यूनियर तुमने पूछा तभी मुझे एक चीज़ याद आया, एक आदमी का सरनेम है फेंग, वो बहुत दिनों से उसे परेशान कर रहा है, मैं उसे एक अच्छी तरह लात मारना चाहता हूँ। यहाँ बोलता है, फेंग फैमिली से, उसका बैकग्राउंड क्या है? मुझे इसके बारे में कुछ पता क्यों नहीं है? टैंक बोलता है, मैं अपने जान पहचान से पूछा फेंग फैमिली के बारे में, वो नॉर्थ में बहुत ही प्रसिद्ध फैमिली है और अभी फेंग फैमिली बहुत ही बड़ा है और यूनियर के फादर उसके साथ काम करते थे पहले। इसके अलावा दोनों फैमिली बहुत दिनों से कॉन्टेक्ट में नहीं है, इसके अलावा उन दोनों के अच्छे रिलेशनशिप है। यहाँ मुझे डर है कि यूनियर शायद, यहाँ उसी समय टैंक को चुप करके बोलता है, बस बहुत हो गया, मुझे विश्वास है मेरे और यूनियर के रिलेशनशिप में, मैं उसे कल खोज कर उसकी मदद करूंगा इसमें। टैंग हंसते हुए बोलता है, नहीं मेरा ये मतलब नहीं है, मेरा ये मतलब है कि मुझे डर है कि यूनियर शायद घर का प्रेशर हैंडल नहीं कर पा रही है। मैं कुछ दिन पहले यूनियर के पापा से मिला था, वो ओल्ड फैशन ही लग रहा था पहले तरह। यान बोलता है, जब तक यूनियर मुझ पर विश्वास करती है मुझे यकीन है कि मैं उसके फैमिली को मना लूंगा। फिर यान अपना सिगरेट बुझाकर बोलता है, चलो चलते हैं, ये लोग मुझे सपोर्ट करने के लिए इतना दूर आया तो मुझे उन लोगों को इंटरटेन करना ही होगा। फिर यहाँ उन लोगों को इंटरटेन करने के बाद फुटन कॉलेज की ओर चला जाता है, उसके साथ हनियन भी होती है। हनियन यहाँ को बोलती है, शुक्रिया तुम्हारा आज मेरी इतनी मदद करने के लिए यहाँ, तुम इसके अलावा मुझे एक नया जॉब भी दिलवा दिए हो। यहाँ बोलता है, तुम्हें कितनी बार बोला है कि मुझे शुक्रिया मत बोलो, तुम्हें मैंने अपना छोटी बहन माना हूँ, ये सब मेरा जॉब है। हनीन धीरे से बोलती है, अच्छा है कि तुम मेरे बायोलॉजिकल ब्रदर नहीं है, मुझे ये बहुत ही अच्छा लग रहा है। यान बोलता है, तुमने क्या बोला, मैं सुन नहीं पाया। हनीन बोलती है, नहीं नहीं कुछ नहीं, क्या तुम अपनी आंखें बंद कर सकते हो यान, मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ गिफ्ट है। यान बोलता है, गिफ्ट? यान अपनी आंखें बंद करके बोलता है, इस बार क्या है, तुम सही में हमेशा मुझे चौंका देती हो। हनीन कुछ देर के बाद यान के गाल में किस कर देती है। यान अपनी आंखें खोलकर बोलता है, हनियन तुम? हनियन वहाँ से भागते हुए बोलती है, गुड बाय यान, मैं घर जा रही हूँ अब। यान अपने मन में बोलता है, पहले सिनरन अब हनियन, ये क्या चल रहा है, मेरा तो पहले ही गर्लफ्रेंड है, तुम लोगों को तो पता ही है ना।